तो भैया जी, ये कहानी है मार्च 2019 की, जब हम फर्स्ट टाइम सऊदी अरब से इंडिया वैकेशन पे जा रहे थे। तो भी वैसे तो सऊदी से इंडिया के मतलब डायरेक्ट फ्लाइट आप लेते हो तो 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं, बट हम आपको पहुँचाएंगे 45 सेकेंड में। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे और अपनी फ़्लाइट जो है लैंड हो चुकी है। मिशन इज़ कंप्लीट एंड अभी अपने को ढूंढना लगेज एरिया। लास्ट टाइम क्या हुआ था ना भाई, हम तो पहुंच गए लेकिन हमारा जो लगेज है ना वो पहुंचा 1 घंटे बाद। तो आई होप कि इस बार ऐसा ना हो। एंड अभी टाइम काफ़ी है, मतलब मैं मेट्रो से जा सकता हूँ घर पर। अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या है ना, 12 बजे बाद जो है मेट्रो बंद हो जाती है तो फिर मेरे को टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो भाई आज है नेक्स्ट डे और सुबह के ना 10 बज रहे हैं और धूप देख रहे हो कितनी तेज़ हो रही है। तो हम थोड़ा गलियों का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं गलियों में भाई क्या क्या चेंज हुआ है। सब लोगों ने घर वर सब चेंज कर दिए, मतलब टाइल्स वाइल्स लगा दी पूरी गली में, देख रहे हो चमक रही है गली एकदम। तो भाई अभी रात के ना 10 बज रहे हैं, 10:30 एंड हम लोग यहाँ से तैयारी करने हैं निकलने की। एक्चुअली हम जा रहे हैं अभी फरीदाबाद से उत्तराखंड अपने होम टाउन टिहरी गढ़वाल घनसाली विलेज चांजी। तो मेरे को इतना ही पता है। तो बाकी मेरे साथ में है आशीष एंड यहाँ पर जो है ना गाड़ी लोडिंग हो रही है, सामान वामान गाड़ी के अंदर डल चुका है। तो हम निकल चुके हैं फरीदाबाद से। तो भाई अभी सुबह के 3 बज गए और हम पहुंच चुके हैं भद्रकाली मंदिर, इसी के इससे थोड़ा आगे जो बैरियल है यहाँ पे भद्रकाली के पास पुलिस चौकी भी है। तो जो लोग टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। एंड यहाँ पे अभी एंट्री नहीं है तो अभी देखते हैं, मतलब आधा घंटा बाकी है शायद छोड़ देंगे ये लोग यहाँ से। तो भाई यहाँ पे सुबह के 6 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं अभी आगरा खाल, और आगरा खाल का जो अदरक है ना भाई सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम यहाँ से पियेंगे अदरक वाली चाय और फिर निकलेंगे आगे के लिए। एक्चुअली यहाँ पे जो चार धाम वाला जो प्रोजेक्ट है ना, जो रोड का जो काम है वो चल रहा है अभी, तो रोड की कंडीशन है जो भाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो हम यहाँ पर थोड़ा चाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी टिपरी और टाइम हो रहा है सुबह के 8:45 एंड यार गाड़ी में ना थोड़ा मतलब पैर दुख जाते बैठे बैठे, तो हमने सोचा थोड़ा सा उतर के थोड़ा रेस्ट कर लें और थोड़ा साथ में चाय वाय पी लें। तो उत्तराखंड में जो चाय पीने का जो मज़ा है ना भाई वो अलग ही आता है। तो यहाँ से ऊपर का जो रोड जा रही है ना वो है चंद्रबदनी के लिए और यहाँ नीचे थोड़ा सा आपको झील का नज़ारा दिखाया जाए। तो ये फाइनली हम जो बिल्कुल अपने गांव के करीब हैं एंड यहाँ से मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर अपना घर है। तो ये बकरियाँ देख रहे हो गाड़ी जैसे जैसे आगे आ रही है ना अपने आप साइड देते जा रहे हैं। तो ये फाइनली हम एंटर कर चुके हैं अपने गांव में और सामने भाई व्यूज़ देख रहे हो आप, कमाल का यार। पूरे 2 साल के बाद मैं देख रहा हूँ, सॉरी 2.5 साल के बाद मैं अपने गाँव आया हूँ और ये हरे हरे खेत और खेतों के बीच में जो घर है ना भाई, कमाल का व्यू है यार। दिल में जो फीलिंग है ना बता नहीं सकता मैं आप लोग को। तो इसे कहते हैं भाई द गॉड ऑफ द लैंड, यानी देवभूमि उत्तराखंड।